आज का दिन भाजपा के लिए शानदार रहा। मौका था विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट का। पार्टी ने राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कमाल की विजय हासिल की। पहले 15 मिनट से ही पार्टी ने जो पकड़ हासिल की उसको आखिर तक नहीं छोड़ा। इसी को देखते हुए जीत से खुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विजय को मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी का परिणाम बताया है। साथ में कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई भी दी है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूपी के मुखिया ने अपने बधाई संदेश में क्या कहा है। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 4 राज्यों के चुनावों में 3 राज्यों के अंदर बीजेपी को भारी बहुमत से हैट्रिक लगी है, जो मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि इन नतीजों से साफ है कि भारत के मन में मोदी है और मोदी के मन में भारत है। आगे केशव लिखते हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का पूरा देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि भारत के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में भारत हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वापस आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिल गया है। कमल खिलने का मतलब है सुशासन और विकास की गारंटी। आपको बताते चलें कि अभी तक आए रुझानों में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में ही जीत मिली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार के साथ ही छत्तीसगढ़ उसके हाथ से निकल गया है। रिजल्ट कांग्रेस पार्टी की सोच के बिल्कुल उलट रहे हैं। अब देखने वाली बात रहती है कि भाजपा की तरफ से किन चेहरों के ऊपर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में अपनी राय भी रखिए कि कौन से चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदारी के रूप में आपको नजर आते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।